चलिए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो अपन पढ़ रहे थे उसमें हमने एक नाम यूज किया था, दैट इज बर्थ रिडक्शन। ठीक है, तो बर्थ रिडक्शन यदि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पर करवाएंगे है ना, तो कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पर बर्थ रिडक्शन जो होता है। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का 1,4 हाइड्रोजिनेशन है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो 1,4 हाइड्रोजिनेशन होता है ये क्या कहलाता है, बर्थ रिडक्शन कहलाता है ना। मतलब कार्बन नंबर 1 यदि इसको हम बोल लें तो इस पर यदि हाइड्रोजन जुड़ता है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन नंबर 4 पर जुड़ेगा। ठीक है, तो उससे ये प्रोडक्ट बन जाता है ना। तो बर्थ रिडक्शन मतलब क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे बर्थ रिडक्शन का मतलब होता है इट इज 1,4 हाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स का 1,4 हाइड्रोजिनेशन ये क्या कहलाता है, बर्थ रिडक्शन कहलाता है ना। तो जैसे बेंजीन है, इस पर हमने सोडियम और लिथियम में लिक्विड अमोनिया इन इथेनॉल ये डाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 in 4 पोजीशन पर हाइड्रोजिनेशन हो जाता है। आइए बेटा बात समझ में अच्छे से है ना, पोजीशन नंबर 1 in 4 इस पर क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे इस पर हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं अगली वाली इसमें, तो हम बोलेंगे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, सिर्फ अमोनिया दिया है, लिक्विड अमोनिया इथेनॉल नहीं, तो भी आपको रिएक्शन को आगे बढ़वा लेना है ना। क्या होता है, ये रिएक्शन जो होगी इसका यदि हम मैकेनिज्म देखें है ना, तो दिस मैकेनिज्म इज सिंपल। क्या हो जाएगा, सोडियम और लिथियम, इससे क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सोडियम से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाई बॉन्ड पर होगा, क्या बनता है इससे, रेडिकल एंड एनायन। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से फॉर्मेशन हुआ किसका, रेडिकल एनायन का। ठीक है, अब कौन सी चीज है, इथेनॉल, जब हमने मतलब इथेनॉल जो रहेगा ये क्या करवा देगा, कार्बन एन जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसको प्रोटोनेट कर देता है, तो इस कार्बन नंबर 1 पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेडिकल, क्या है, रेडिकल सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इट इज कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ये 1 के रिस्पेक्ट में कार्बन नंबर 4 पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये कार्बन नंबर 4 पर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सोडियम से यहाँ पर फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, सोडियम से यहाँ फिर से कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। आई बेटा बात समझ में है ना, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होगा तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल से इस कार्बन पर भी है ना, क्या हो जाएगा, इट इज प्रोटोनेशन। तो एक हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पर आया था, दूसरा कहाँ आया, कार्बन नंबर 4 पर आ जाता है ना। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट दैट बर्थ रिडक्शन। आगे बेटा बात समझ में है ना, अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स पर यदि आपको बर्थ रिडक्शन को अप्लाई करना है ना, तो कौन सी चीज देखने को मिलेगी आपको यहाँ, तो बोलेंगे जैसे बेंजीन पर यदि जो ग्रुप लगाया है हमने, ये कैसा है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो सिंपल लॉजिक है कि होगा तो यहाँ पर भी 1,4 हाइड्रोजिनेशन, बट अब कौन से कार्बन पर रिएक्शन करवाए हम है ना, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो जैसे हम यहाँ जब क्या बना रहे हैं बेटा, रेडिकल एनायन बना रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, रेडिकल को डीस्टेबिलाइज और एनायन को स्टेबिलाइज। ठीक है, तो हम बोलिए इस पाई बॉन्ड पर एसीटी होते समय जब कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे जब यहाँ पर क्या होगा, इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उससे रेडिकल एनायन बनेगा, तो रेडिकल इस कार्बन पर बनेगा और एनायन इस कार्बन पर, जिस पर क्या जुड़ा हुआ है, COOH है ना, क्योंकि यहाँ पर एनायन क्या था, तो हमने बोला उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से स्टेबल था। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, जिस कार्बन पर एनायन बनता है यहाँ, तो यहाँ कहाँ एनायन बना, इस कार्बन पर, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन कहाँ आएगा, उस ही कार्बन पर जिस पर क्या लगा था, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसी के रिस्पेक्ट में कार्बन नंबर 4 पर जाएगा है ना। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन आया, इसी के रिस्पेक्ट में कार्बन नंबर 4 पर जाएगा दूसरा हाइड्रोजन है ना। तो लॉजिक समझ में आ गया नहीं, इसका स्टेटमेंट हम कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होता है, ठीक है,
क्या बोले हमने, हमने बोला इट इज बेंजीन पर जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड रहेगा तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे बर्थ रिडक्शन के टाइम पर हाइड्रोजन कहाँ आता है, तो हम बोलेंगे उसी कार्बन पर आएगा जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, ठीक है। और इसीलिए क्या होगा, हाइड्रोजन दूसरा वाला कहाँ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसी से कार्बन नंबर 4 पर जाता है। आती बेटा बात समझ में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में बर्थ रिडक्शन का तरीका ये रहेगा, इन लॉजिक इज सिंपल। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। वैसे ही कौन सी वाली थी, तुमने बेटे बर्थ रिडक्शन में यदि बेंजीन पर क्या लगा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप कौन सी चीज होगी, हम बोलेंगे आप जब इस पाई बॉन्ड पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो यदि जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, मैं यहाँ यदि कार्बन आयन बनाता हूँ तो इस बार वो क्या बनेगा, दैट इज अनस्टेबल बनता है। आते हैं बेटा समझ में, है ना, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है यदि मैं कार्बन आयन यहाँ बनवाऊंगा तो कार्बन आयन क्या बनेगा इस बार, अनस्टेबल, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जब बेंजीन पर क्या कनेक्टेड होता है, तो हम बोलेंगे जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो तब उस केस में ना कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे तब उस केस में है ना क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे तब उस केस में रेडिकल एनायन बनते समय एनायन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर बनेगा और रेडिकल उस कार्बन पर बनेगा जिस पर क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कनेक्टेड था, ठीक है। अब एनायन कहाँ बना बेटा, यहाँ, क्योंकि एनायन यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो प्रोटोनेशन इस कार्बन पर होगा, ठीक है, और प्रोटोनेशन यदि इस कार्बन पर हुआ तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दूसरा हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में 4 मतलब यहाँ आएगा, समझा गई बेटा बात ये। तो जब बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड विद सम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो तब बर्थ रिडक्शन के टाइम पर है ना हाइड्रोजनेशन कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर, और इसलिए दूसरा हाइड्रोजन आता है उससे 4th कार्बन पर। आगे बेटा समझ में, लॉजिक इसका सिंपल है ना। तो बर्थ रिडक्शन को हमने डिफाइन कैसे किया, तो हमने बोला बर्थ रिडक्शन जो होता है ना इसका मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज 1-4 हाइड्रोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विद व्हाट, सोडियम और लिथियम लिक्विड अमोनिया एंड इथेनॉल, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, रिएक्शन का मैकेनिज्म जो था वो क्या था, तो हमने बोला इट वॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था, है ना। फिर हमने क्या बोला कि बेंजीन पर यदि कौन कनेक्टेड है, तो हमने बोला इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, बर्थ रिडक्शन होते समय हाइड्रोजन कहाँ आता है, तो हम बोलेंगे उसी कार्बन पर जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, और उसके रिस्पेक्ट में नंबर 4 पर आ जाएगा दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये होने की वजह क्या, तो हमने बोला ये होने की जो वजह होती है वो वजह क्या हो जाती है, तो हम बोलेंगे ये होने की वजह हो जाती है कि एनायन इसी कार्बन पर स्टेबल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, है ना। और बेंजीन पर यदि कौन लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है, तो तब इस केस में हाइड्रोजनेशन कहाँ होगा, तो हम बोलेंगे जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा इसके एडजेसेंट कार्बन पर होता है ना, क्योंकि एनायन इधर ही ज्यादा स्टेबल था। आई बेटा बात समझ में, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का बर्थ रिडक्शन भी अपन ने यही है ना हाइड्रोकार्बन में पढ़ लिया है, क्योंकि अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन इससे रिलेटेड हाइड्रोकार्बन में ही दिया हुआ है, ठीक है बेटा, है ना। अब इसके आगे अगली रिएक्शन अपन नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे।